Hello students, today in this video I am going to teach you operations on irrational numbers, and these operations will help you to solve your problems related to rationalization. See, operations जो होते हैं, जैसे हो गया आपका addition हो गया, subtraction हो गया, multiplication हो गया and division हो गया. तो irrational numbers को हम किस तरह add, subtract और multiply, divide कर सकते हैं? तो पहला देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हम समझेंगे सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उससे पहले समझेंगे हम लोग लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, क्योंकि केवल हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अनलाइक टर्म को एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो मैंने कुछ मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. मान ली वी हैव टू फाइंड आउट द लाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म कौन कौन से हैं तो समझेंगे. जैसे हमने लिख दिया 2√3, तो रूट थ्री जिस जिस नंबर में आएगा वो सब लाइक टर्म कहलाएंगे. तो इसके लाइक इसके जैसा टर्म कौन सा है, तो 2√3 का लाइक टर्म हो जाएगा 6√3 एंड 6√3. अच्छा 5√2 का लाइक कौन सा होगा जिसमें रूट टू आएगा, तो 5√2 का लाइक हो जाएगा 4√2 हो जाएगा. 3√5 के लाइक कौन सा टर्म होगा, तो 3√5 जिसमें रूट फाइव आएगा वो हो जाएगा, तो इसके लाइक हो जाएगा 7√5, 8√5. रूट सेवन इन दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों टर्म लाइक टर्म हो जाएंगे. मीन जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नंबर सेम आएगा वो आपके लाइक टर्म हो जाएंगे, और हम केवल लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 2√3 प्लस 4√5 और ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका. तो हम लिखेंगे कि इसका आंसर कुछ नहीं, यही इसका आंसर है, क्योंकि इन दोनों टर्म को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये टर्म आपके लाइक टर्म नहीं है. मान लेते हैं मैंने इसमें लिख दिया 5√3. अब बोला मैंने आपको इसको ऐड करके बताओ या सब्ट्रैक्ट करके बताओ, जो भी पूछा है. तो हमें पता है कि यहां पर 2√3 और 5√3 ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, तो इन दोनों टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं. और ऐड करने का तरीका ये होता है कि रूट थ्री के आगे जो नंबर आ रहा है 5, और रूट थ्री के नंबर आगे नंबर जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो केवल हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि 5 + 2, तो आंसर आएगा 7, और रूट थ्री को ऐसे लिख देंगे, तो ये बन गया 7√3. ये आपका अनलाइक टर्म है, तो ये एज इट इज ऐसा ही लिखा जाएगा, इसका हम कुछ नहीं करेंगे. तो दिस इज योर आंसर. इस तरह हम ऐड सब कर सकते हैं. मान लेते हैं आपको केवल ने 5 √3 प्लस 2√3 प्लस 4√5 माइनस 2√5. अब इसे सब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हमें पता है कि रूट थ्री का लाइक टर्म 5√3 का जो लाइक टर्म होगा वो 2√3 होगा. तो इन दोनों को हम या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 5 नेगेटिव आ रहा है या 2 पॉजिटिव आ रहा है. तो जब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर -5 केवल आगे वाले नंबर में से -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन का है, ये नेगेटिव साइन का है, प्लस माइनस माइनस. तो यहां जो बचेगा बचेगा माइनस का 3, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और रूट 3 को ऐसे लिख देंगे -3√3. ऐसे ही यहां पर 4√5 -2√5. तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 केवल आगे वाले नंबर में से इस आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां बचेगा प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है 2, और रूट 5 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा. इस तरीके से हम केवल लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. 5√7 प्लस 2√5 प्लस 3√7 माइनस 2√5. तो 5√7 इसके जैसा लाइक टर्म ये आ रहा है,
तो 5√7 प्लस 3√7, तो केवल आगे वाले नंबर को ही ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8√7 हो जाएगा। ये प्लस का 2√5 है, ये माइनस का 2√5 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसमें से ये प्लस माइनस दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 8√7 आ जाएगा। मान लेते हैं आपको आंसर क्वेश्चन दे दिया गया 2√3 प्लस 4√5 प्लस 7√2, बोला इसको ऐड करके बताओ कितना ऐड ऐड होगा, तो ये रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री आ रहा है इसके जैसा टर्म और कोई नहीं है, यहाँ रूट फाइव आ रहा है इसके जैसा टर्म कोई और नहीं है, यहाँ रूट टू आ रहा है इसके जैसा टर्म कोई नहीं है, मीन्स इन टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से केवल हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडिशनल नंबर्स, कि एडिशनल नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम किन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, क्या हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है केवल उन्हीं नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनकी पावर सेम आ रही हो। इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 1/2 आ रही है, तो इनका मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो ये बात तो क्लियर है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर 2 को ऐसे लिखा जाएगा, ये बनता है √3, तो ये लिखेंगे 2√3। अब 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, क्या हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी 1/2 आ रही है और इसकी पावर भी 1/2 आ रही है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल नीचे वाले बेस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को एज इट इज रखेंगे, यानी कि 2 × 3 की पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 1/2 मीन्स √6, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ना मान लीजिए मेरे पास गिवन है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, पावर सेम आ रही है तो तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 × 14, 14 × 3 = 42, 42 की पावर 1/2, और इसे ले सकते हैं √42। मान लीजिए मेरे पास गिवन है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम केवल जिनकी पावर सेम आ रही है, 2 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, केवल इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा √10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि √3, पावर 3 1/3 है तो इसको √3 के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लेते हैं आपको दिया गया है 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, पावर 1/2 मीन्स 4 की पावर 1/2 बन गया, 4 की पावर 1/2 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 उसकी पावर 1/2 मीन्स ये कैंसिल होकर आंसर आएगा 2 आएगा। मीन्स ये बात ध्यान रखनी है कि 2√2 मल्टीप्लाई बाई √2, डायरेक्ट आप 2 भी ले सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 लिख दो। अगर आपको गिवन है 3√2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 से, अभी तक क्या था कि जितने भी रूट में नंबर आ रहे थे आगे सिंगल 1 था, अब यहां पर क्या आ गया 3√2 आ गया और 5√2 आ गया, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वही सीधी सीधी बात है, जिनकी पावर सेम होती है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 1 आ रही है, 3 × 5 = 15, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 आएगा, अभी हमने वो पढ़ा था, तो ये बन जाएगा आपका 30। मान लीजिए आपको गिवन है 5√3 मल्टीप्लाई बाई 3√2
इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है 5 3 या 15। यहां रूट 3 आ रहा है या रूट 2 आ रहा है, पावर हाफ, पावर हाफ, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6, 3 2 या 6, और 6 की पावर पावर 1.2 मींस रूट 6। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 5 रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 7, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 1 आ रही है, 5 3 15, रूट 7 का इंटू रूट 7 से करेंगे तो डायरेक्ट 7 ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 105। तो इस तरीके से हम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी हमारा अगला क्वेश्चन है 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, और इन नंबर्स का हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है दो ब्रैकेट के बीच में। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका समझते हैं। पहले हम लिखेंगे 3 रूट 2, इसका फर्स्ट टर्म ले लिया, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में आ रहा है प्लस 5 रूट 3, तो प्लस साइन लगा कर 5 रूट 3 लिख देंगे। फिर से इस पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3, मीन्स 3 रूट 2, फिर ये होल ब्रैकेट लिख देंगे, फिर जो भी अगला टर्म आ रहा है 5 रूट 3 विथ साइन पॉजिटिव साइन 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 3 रूट 3, फिर से प्रोवाइड लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 पावर सेम आ रही है, रूट 2 का रूट 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, नेक्स्ट इसका इसका प्लस करेंगे इंटू करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब 3 का इंटू 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, रूट 2 का रूट 3 से करेंगे तो बनेगा रूट 6, 2 3 जा 6 और पावर 1/2, प्लस 5 रूट 3 का 2 रूट 2 से करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो 5 रूट 3 का 2 रूट से करेंगे तो पहले 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 टू 10, और रूट 3 का रूट 2 से करेंगे तो बनेगा रूट 6, 3 टू 6, प्लस 5 रूट 3 का 3 रूट 2 से करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15, रूट 3 का रूट 3 से करेंगे तो बनेगा 3। अब जो नेक्स्ट बन के आएगा वो बनेगा 12, इसका इंटू कर देंगे 12, 9 रूट 6 और 10 रूट 6 ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 19 रूट 6 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका 45। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज लाइक टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 57 प्लस 19 रूट 6। Now these two terms cannot be add or subtract. So this is your answer. Now our next question is 7 root 2 plus 3 root 3 multiply करना है 5 minus 2 root 2 से. तो same वही process अपनाएंगे. पहले लिख देंगे 7 root 2, फिर ये whole bracket लिख देंगे 5 minus 2 root 2, फिर लिखेंगे plus 3 root 3, फिर ये whole bracket लिख देंगे 5 minus 2 रूट 2। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रूट 2 से 5 पे इंटू करेंगे, फिर माइनस 2 रूट 2 से इंटू करेंगे, तो 7 रूट 2 से जब 5 का इंटू करेंगे तो इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 1 आ रही है, तो केवल 5 और 7 का मल्टीप्लाई होगा मीन्स 35, और रूट 2 एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। अब 7 रूट 2 का माइनस टू रूट से इंटू करेंगे, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस कराते हैं, तो 7 टू 14, रूट 2 इंटू रूट 2 तो ये 2 बन जाएगा, प्लस 3 रूट 3 इंटू 5, जब इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर 1 आ रही है, इंटू इंटू होगा 15, और रूट 3 एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
थ्री रूट थ्री का टू रूट टू से करेंगे तो इसकी पावर वन आई, इसकी पावर वन आई तो टू, थ्री टू जा सिक्स, रूट थ्री का रूट टू से करेंगे तो बनेगा रूट सिक्स। इस तरीके से देखते हैं तो ये बनेगा हमारा 35 रूट टू माइनस का 28 प्लस का 15 रूट थ्री माइनस का 6 रूट सिक्स। सो नाउ वी फाइंड आउट द लाइक टर्म्स। यहां रूट टू आ रहा है, कैसे कैसे कोई टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ ओनली 28 आ रहा है, यहाँ रूट थ्री आ रहा है, कहीं रूट थ्री नहीं मिल रहा, यहाँ रूट सिक्स आ रहा है, यहाँ रूट सिक्स, मतलब यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है। तो ना तो कुछ ऐड करेंगे ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस इज योर आंसर। इफ द क्वेश्चन इज टू रूट टू की पावर थ्री, अब इसको कैसे खोलेंगे, तो टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू ऐसे खोलेंगे, तीन वाले हैं तो इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर पावर वन, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट हो जाएगा। रूट टू का भी रूट टू से करेंगे तो टू हो जाएगा इंटू टू, एक रूट टू बचेगा इंटू रूट टू, तो ऐसे फॉलोइंग लिखेंगे सिक्सटीन रूट टू। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट खोलते हैं, टू रूट टू लिखा हुआ है मान लेते हैं पावर थ्री, तो क्या आएगा, टू की पावर थ्री करेंगे तो एट मिलेगा, टू इंटू टू इंटू टू डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे, और रूट टू की पावर थ्री करेंगे तो रूट टू की पावर टू जो होता है वो होता है टू, क्योंकि दो बार इंटू हो रहा है, और जब थ्री हो जाएगा तो टू और एक रूट टू बचेगा तो ये हो जाएगा आपका टू रूट टू, तो ऐसे भी कह सकते हैं सिक्सटी रूट टू। मीन्स अगर पावर दे रखी हो, मान लीजिए पावर दे रखी है थ्री रूट टू की पावर टू, बड़ा करेंगे थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू, तो हो जाएगा एट्टीन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फोर रूट फाइव लिखा हुआ है, पावर लिखी हुई है थ्री, तो फोर की पावर थ्री होता है सिक्सटी फोर, रूट फाइव की पावर थ्री लिखा हुआ है यानी रूट फाइव की पावर थ्री, यानी कि दो रूट फाइव मिलाकर हो जाएगा फाइव, एक रूट फाइव बचेगा उसको ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री ट्वेंटी रूट फाइव। तरीके से जो पावर दी जाती है उसको हम इस तरह ओपन कर सकते हैं। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में माइनस बी, ए क्यू ए प्लस बी क्यू ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज फोर प्लस रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री की पावर टू, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो अभी हमने पिछले मेथड में सीखा था कि फोर रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू इसको हम ले सकते हैं मल्टीप्लाई फोर रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू, दो ले सकते हैं, और फिर इसका जैसे हमने अभी पहले मेथड सीखा था कि पहले ये नंबर लिख देंगे फिर ये वाला पूरा पैक लिख देंगे फिर ये वाला टर्म लिख देंगे पूरा पैक लिख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो हो गया वो मेथड, उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेकेंड मेथड है इसका, यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करें, जैसे यहाँ पर ए की जगह तो हो गया फोर रूट थ्री और बी की जगह हो गया थ्री रूट टू, तो आंसर में क्या मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ऐसे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई ए की जगह हो जाएगा फोर रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका, अभी बताया था स्क्वायर खोला फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आएगा क्योंकि रूट थ्री का दो बार इंटू हो रहा है, प्लस इसकी पावर वन आ रही है इसकी पावर वन आ रही है इसकी पावर वन आ रही है तो इसका इंटू करेंगे फोर टू जो एट थ्री या ट्वेंटी फोर, तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर रूट थ्री प्लस बचा ये वाला टर्म थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू, तो इस तरह बन जाएगा आपका
तो 48 और 18 ये दोनों डायरेक्टम है, या रूट थ्री आ रहा है या डायरेक्टम हो जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66 + 24 √3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 + √2 √5 - √2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहला मेथड कि √5 लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे, फिर +√2 लिख देंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे, इनटू कर देंगे, या हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहां आ रही है a + b a - b, तो यहां a + b a - b इन दोनों का नंबर सेम आ रहा है, a आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, b आ रहा है, प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा a² - b² तो क्या लिखेंगे, √5² - √2² तो a² - b² 5 - 2 आंसर आ जाएगा 3। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 - √2 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म बन रही है वो ये वाली फॉर्म बन रही है a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b² मीन्स √5² - 2ab। तो 2 लिख देंगे, a की जगह आ रहा है √5 √5 × √2 + b² तो b की जगह √2 आ रहा है, तो √2² हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √5² - 2 की पावर कौन आ रही है, और कोई नहीं नंबर आ रहा, तो 2 ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों की पावर सेम आ रही है, हाफ हाफ पावर आ रही है, तो ये हो जाएगा √10 + √2² करेंगे तो 2 आएगा। तो 5 और 2 ये दोनों लाइक टर्म है, ये हो जाएगा 7 - 2 √10। ये दोनों अनलाइक टर्म है, इनको ना ऐड कर सकते ना सब कर सकते। दिस इज योर आंसर।